परम पूज्य साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सम्मानी भक्त सज्जन, भक्तिमती माताएं, मेरे लिए भी साहिब जी की ओर से आज्ञा हुई है, तो आइए सभी के बीच आपके बीच मैं कुछ देर निवेदन प्रस्तुत करती हूँ। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि फागुन आता है फूलों का त्योहार लिए, फागुन आता है फूलों का त्योहार लिए, सावन आता है मेघों का मल्हार लिए, और संत आते हैं खुशियों का उपहार लिए। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। वास्तव में अभी हमारे सभी संत गुरुजन हमें जगाने के लिए आए हैं और जगा रहे हैं, क्योंकि हम अज्ञान की निद्रा में, मोह की निद्रा में सोए हुए हैं। तो संत गुरुजन जगाने के लिए आए हैं, और वो भी थोड़ी मात्रा से नहीं, प्रैक्टिकल करके, अर्थात स्वयं ऐसा जीवन जीते हैं, अपने जीवन को त्याग और तपस्या में, साधना में, और ऐसा जी करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ऐसे जी करके दिखाते हैं। एक भजन में कहा है कि नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपनी तन को मन को धन को देश को दे दे दान रे, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान रे। तो इस प्रकार संत गुरुजन बड़े ही परमार्थी हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ करें। संत गुरुजन स्वयं अपने जीवन में आत्म शांति को, आत्म कल्याण को प्राप्त करते हैं, एक सुंदर सुव्यवस्थित जीवन जीते हैं, और हमारे महापुरुषों ने सभी ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने स्वयं शांति को प्राप्त कर लिए तो हमें कुछ दे गए, क्योंकि समाज से हम लोग बहुत उपकृत हैं, हमको भी समाज से बहुत कुछ मिलता है। हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ये कपड़े जो पहने हैं वो हम नहीं बनाते हैं, मकान जो है हम नहीं बना पाते, खेती नहीं कर पाते, तो कितना हमें समाज से मिलता है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। तथागत बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने सोचा कि मुझे क्या लेना देना है इस दुनिया से। इस प्रकार से उनके मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि मैं अपने साधना भजन में लगा रहूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है संसार से। लेकिन जब उनके हृदय में लोगों की करुण पुकार सुनाई दी कि संसार के लोग बहुत दुखी हैं, जैसे मैं दुख से छूटना चाहता हूँ, वैसे संसार के लोग भी दुख से छूटना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार फिर उनके हृदय से करुणा की धारा बहने लगी, और जब तक उनका जीवन रहा वो जन कल्याण में लगे रहे। इस प्रकार से हमारे सतगुरु कबीर साहेब भी लगभग अपने 120 वर्ष के उम्र तक लोगों को जगाते रहे, सत्य की राह पर चलने और दोषों को दूर करने की सीख देते रहे। इसलिए सतगुरु कबीर साहेब अपने आप को ही संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि एक कबीर ते उतरी रहो, तेरे सम्मल परोहन साथ, सम्मल घटे न पगु थके जीव गिराने हाथ। साहेब अपने आप को ही कहते हैं कि एक कबीर तो उतर अपने आत्म स्थिति से, स्वरूप स्थिति से, क्योंकि तुम्हारे पास तो पाथी है, संबल है तुम्हारे पास, विवेक बल का तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस प्रकार से संत गुरुजन बहुत ही करुणावान, करुणाशील होते हैं, उनका हृदय करुणा से भरा होता है। जैसे माँ का हृदय हो,
माँ जो है बच्चा जो है पिता के पास जाता है तो वो चुप नहीं होगा, लेकिन यदि माँ की गोद में चला जाए तो वो रोना छोड़ करके हंसना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से संत गुरु का हृदय होता है, जिसके शरण में जाकर के हमें अच्छा अनुभव होता है। जैसे कि सूर्य निकलता है, धूप निकलती है, तो हम वहाँ पर बैठते हैं तो उसकी रोशनी जो है, उनका प्रकाश जो है हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। इसी प्रकार से संत गुरु जन के पास हम जाते हैं, उनके सानिध्य में उनके सन्निकट बैठते हैं, तो उनका वाइब्रेशन जो है हमारे अंदर भी आने लगता है, हमको भी मिलता है उनके ज्ञान भक्ति का प्रकाश। तो इस प्रकार से संत गुरुजन हमारे लिए कितना उपकार करते हैं, इसलिए कहा गया है, संत बड़े परमार्थी शीतल इनके अंग, तपन बुझावे और का दे दे अपना रंग। कुछ गलतियां हो जाती है हमसे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाषण देना, प्रवचन देना, प्रवचन झाड़ देते, तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, लेकिन उनके हृदय के गहराई को नहीं समझ पाते कि उनको प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, ठीक से समझ नहीं पाते और भाषण देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ हमारे संत गुरुजन होते हैं जो उनके आंतरिक हृदय को समझते हैं कि कारण क्या है और खोज करते हैं और उनको प्रेम से समझाते हैं। कहा जाता है कि महात्मा कन्फ्यूशियस का एक शिष्य जो है जा रहा था कहीं, तो वहीं रास्ते में उनको एक कुआं था, वहां एक कुएं में एक व्यक्ति गिर गया था, वो चिल्ला रहा था मुझे बचाओ बचाओ करके। तो उनके शिष्य जो थे देखा तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखो इस व्यक्ति को ठीक से चलना नहीं आता, रास्ता देख करके चलना चाहिए। आज मैं लोगों को प्रत्यक्ष उदाहरण दे करके बताऊंगा कि दीवार बनाना चाहिए कुआं में। इस प्रकार से वो बोल करके सुना करके चला गया। एक दूसरा व्यक्ति आया और वो देखा कि ये कुएं में गिर गए हैं, उसको निकाला, उसका उपचार किया, उसके बाद समझाया कि सावधानी से चलना चाहिए ठीक से देख करके। तो इस प्रकार से उनको उनकी बातें समझ में आ गई। तो कुछ लोग होते हैं जो किसी से भूल हो गई, गलती हो गई तो सुना देते हैं, निंदा चुगली करने लग जाते हैं, तो ठीक से समझा नहीं पाते। किसी से गलती हो गई तो दंड देना सरल है, लेकिन उनको सुधारना बहुत कठिन है। मैं कई संतों से ऐसे सुना है और गीता में भी कहा गया है कि जैसे भगवान जो है उनके अवतार क्यों हुआ, जब जब मतलब धर्म की हानि होगी तो उसके विनाश के लिए, उनको उभारने के लिए भगवान के अवतार हुआ है। क्या करते हैं भगवान, जैसे कि श्री कृष्ण का, श्री राम जी का अवतार हुआ, तो जो शत्रु है, रावण है, कंस है, उनका संहार करने के लिए अर्थात उनको मारने के लिए उनका अवतार हुआ। लेकिन संत का अवतार क्यों होता है, संत जो है सुधारने के लिए अवतार लेते हैं। तो जितने भी अवतार माने जाते हैं, और गीता में भी कहा गया है कि मारने के लिए, संहार करने के लिए धर्म की हानि होगी तो अवतार होगा, लेकिन हमारे संत गुरुजन हमको सुधारने के लिए इस संसार में आते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है समझाए, संत गुरुजन सुधारने के लिए आते हैं और सुधारते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने भी कहा है, वही मेरा सच्चा मित्र है, परम मित्र है, जो गलत रास्ते में कुमार्ग में जा रहा है उसको सही मार्ग में लाए। दादा भाई बाप के लेखों चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारी सोजन सदा आनंदा। तो इस प्रकार से मैं तुम्हारे दादा बाबा और चरणों का तुम्हारे गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। यदि तुम अपने विकारों को धोने का काम करो, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए लग जाओ, तो तुम्हें मैं मित्र, दादा बाबा कहता हूँ। इस प्रकार से संत गुरुजन
हमारे कल्याण के लिए बहुत ही हमें जगाने के लिए प्रेरित करते हैं, समझाते हैं। लेकिन कुछ लोग, हम लोग संसार के लोग तो अपने ही अपना ही जीवन देखते हैं, अपने स्वार्थ अपने ही कामनाओं के लिए ही जूझते रहते हैं। एक भजन में कहते हैं कि सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। इस प्रकार से लोग जो है अपने ही सुख और कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन हमारे संत गुरुजन करुणाशील होते हैं कि मैं जैसे दुख से छूटना चाहता था और मुझे जो शांति जो सुख की प्राप्ति हो रही है, वैसे सभी जीव जो है सुखी हो, शांति को प्राप्त करे, इस प्रकार से हमारे लिए कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।